मुंबई में जबरदस्त बारिश, माया नगरी में मुसीबत बरसी, पानी पानी हुई माया नगरी, बारिश की मार से बेहाल मुंबई का। अगले 24 से 36 घंटे मुंबई के लिए भारी। तस्वीरें नई हैं, लेकिन हालात वही पुराने हैं। मुंबई में बारिश की ये तस्वीरें पिछले साल की ही कहानी को बयां कर रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है हम मुंबई के लिए, ये सब बहुत आम है हमारे लिए। हर सीजन झेलते हैं इन बारिश का कहर। सारे न्यूज चैनलों में बस यही बताते रहता है कि मुंबई में कितनी बारिश है, और ये भी बताता है कि हमें कितनी स्पीड है इन रेन से लड़ने के लिए, इन भारी बरसातों के सामने हम कभी हार नहीं मानते इस औरत की तरह जो अब हमारे वीडियो में है। बट सच बात ये कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें लड़ना ही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ैन सैयद एंड ये मेरा व्लॉग चैनल है। मेरे 10 व्लॉग हो गए, लेकिन अभी भी मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ कि किस तरह से व्लॉग करना है। कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है, मुझे बस एक ही चीज़ आती है, कैमरा ऑन करो और जो मन में आता है बोलो। पता नहीं मैं कितने रिटेक करता हूँ, अभी भी मेरा 7वां 8वां रिटेक होगा एंड अभी भी मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी लाइन स्टार्ट करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप प्लीज़ सजेस्ट करो, आप देखते हो मैं वक्त हो, प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे। तो चलो ये तो मेरी बातें हो गई, अब ये ब्लॉग की बात करते हैं। आज सुबह 7 या 6 बजे से मुंबई के अंदर ज़ोरदार बारिश हुई है, जो मुझे बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था। एक छोटा सा मैं आपको झलक बता देता हूँ इस बारिश की, चेक कर लीजिए। टैन हम जा रहे हैं मेरी खिड़की के पास, सामने अब तो झरना बन गया यार। ये आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि सामने गटर का नाला था, एक्चुअली ये नाला नहीं है, ये वाटर फ्लोइंग कैनाल है। पता नहीं ये पिक्चर कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस बारिश को, लेकिन बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। बारिश बहुत ही ज़ोरदार हो रही है एंड मैं अपना कैमरा भी चार्ज कर रहा हूँ फटाफट। ये देखिए मेरा कैमरा, ये चार्ज नहीं था निकॉन का, मैं जस्ट अभी इसको चार्ज कर रहा हूँ। इसे अपने जॉब के लिए भी निकलना है और उसके अंदर ही जाते जाते मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं हम अपने रास्ते। अभी तो फिलहाल इतनी बारिश हो नहीं रही है, बहुत प्रिकॉशन करनी पड़ती है। पता नहीं बाइक स्टार्ट होगी कभी नहीं, शुक्र है हो गई बारिश में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये बहुत ही आम चीज़ है ट्रैफिक हर बारिश में, ये बहुत डेंजरस था, नहीं करना चाहिए था मुझे। लोग बारिश में अपनी छाती के साथ और मैं अपने रेनकोट और बाइक में, एक अपना ही मजा होता है बारिश का, बट बहुत ही अलग चीज है। किसी के लिए ब्लेसिंग बनती है तो किसी के लिए कर्स, बट जहाँ तक मेरा सवाल है मेरे लिए ये तो ब्लेसिंग ही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 8 महीने इस 4 महीनों का इंतज़ार करता हूँ, पर हमारी म्यूनसिपालिटी फील हो जाती है मुंबई को प्रोटेक्ट करने के लिए इन बारिश से। हम जिन्हें वोट देते हैं हमें एक बार सोचना चाहिए कि उन्होंने मुंबई की क्या हालत बना के रखी है, और ये मुंबई की क्या हालत म्यूनसिपालिटी की वजह से नहीं है, ये हमारी वजह से, क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट करके उन्हें वोट देते और हर बारिश में
मुंबई जैसे कि टूट से जाती है, सैंगिंग ऑफ।